ना जाने कितनी अंकिता ऐसे जानवरों के दबाव में आकर गलत रास्ते पर चलती हैं और कब देह व्यापार के दलदल में फंस जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़ पाती हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठा पाती हैं, लेकिन अंकिता भंडारी उन लड़कियों में से थी जो गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करना जानती थी और लड़ना भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी नाव उस पर इतनी भारी पड़ेगी कि वो दरिंदे उसकी जान ले लेंगे। सुनिए अंकिता की पूरी कहानी, कब कब क्या हुआ अंकिता हत्याकांड। अंकिता की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, इंसाफ मांगा जा रहा है। महिलाओं ने आरोपियों की पिटाई की, लोगों ने आरोपी के होटल पर तोड़फोड़ की, फैक्ट्री में आग तक लगा दी। इसके अलावा सरकार ने एक्शन लिया और रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया गया। 19 साल की अंकिता उसके रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। पुलिस के मुताबिक रिसॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। अब आपको समझाते हैं कि किस दिन क्या क्या हुआ। 18 सितंबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर के वनतारा रिसॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 19 साल की अंकिता भंडारी। 19 सितंबर अंकिता भंडारी के गुमशुदगी के संबंध में उसके माता पिता ने राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में शिकायत दर्ज कराई। 22 सितंबर विरोध प्रदर्शन के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंपी गई। 23 सितंबर लक्ष्मण झूला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी दौरान लोगों ने उनकी पिटाई भी कर दी। 23 सितंबर देर रात रिजॉर्ट के एक हिस्से को जेसीबी से तोड़ा गया, सरकार ने एक्शन लिया। 24 सितंबर अंकिता भंडारी के शव की खोज के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चीला नहर से शव को बरामद किया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। ये भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पुलकित हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता था, तो फिर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता था? आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? आखिर उसके दिमाग में कौन सी खुरापात चल रही थी? आखिर क्या ये प्लान था या अचानक सब कुछ हुआ? यही वजह रही कि सीएम धामी को दखल देना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले पर लोगों के गुस्से के साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। बहुत ही दुखद घटना है, हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, वो वास्तव में उसको जितना ख़राब कहा जाए उससे ख़राब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है, उन सब के खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हुई है, अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य जो इसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है उनके पिताजी को और उनके भाई को, जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सरकार इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए भी
आगे हम उस पर भी काम करेंगे। सर जनता के संदेश, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन, चूँकि जैसे ही ये घटना हुई है, ये घटना बहुत दुखद है, सरकार के लोग भी, हम, मैं स्वयं मुख्य सेवक होने के नाते इस घटना के बारे में पूरी तरह से हम लोग जो भी काम, जो भी कार्रवाई हो सकती है, उन सभी कार्रवाइयों को कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपको नैतिकता के आधार पे पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एविडेंस को मिटा रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए उस बेटी के लिए। और जितने अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, जो यौन शोषण करते हैं महिलाओं का, इन सब को फांसी पे चढ़ाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी केस को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। अंकिता भंडारी के लापता होने की सूचना 18 सितंबर को दी गई थी। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक्स खत्म होने का इंतजार कर रही थी। शराब पीने के बाद तीनों लड़कियों से झगड़ने लगे। हाथापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया। अंकिता ने रिजॉर्ट में जारी अनैतिक गतिविधियां चलाने का विरोध किया था। जब पुलकित ने अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाला तो उसने धमकी दी कि वो सभी को बता देगी कि पुलकित उस समय पर रिजॉर्ट के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा है। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथी लड़कियों को नहर में धकेल दिया। इस पूरे मामले पर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वहीं लोगों ने अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज भी तेज कर दी है। अंकिता बेटा, आप जहां कहीं हो, आप केवल उपेंद्र सिंह भंडारी की बेटी नहीं हो, आप सारे उत्तराखंड की बेटी हो, उन सभी बहादुर बेटियों का आदर्श हो जिन्होंने प्रलोभन को ठुकरा कर हर तरीके की धमकी का मुकाबला करते हुए रिजॉर्ट मालिक द्वारा देह व्यापार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी को दिया। उत्तराखंड, हम सब सच सच बार तुम्हारे बलिदान को नमन कर। अब ये दायित्व सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है कि उन दोषियों को दंडित किया। कितनी अफसोस की बात है कि 6 दिन हमको अपनी बेटी की लाश ढूंढने में लगे। सारे लोगों को मालूम था कि चीला की नहर में धकेला गया हो और हम चीला की नहर से उस लाश को बैराज से नहीं निकाल पाए। और इस समय मैं कहना चाहता हूँ कि साक्ष्यों को नष्ट नहीं होने, साक्ष्य समेत में हूँ ताकि दोषियों को दंडित किया। 4-5 दिन से ये मामला चल रहा था और RDM पौड़ी, SSP पौड़ी से और SDM कोर्ट द्वारा जो इंचार्ज यमकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होनी चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जिस जो कल्प्रिट है उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तराखंड के ये संस्कार नहीं हैं। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में, क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो। और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कौन आके बना रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये जो अंकिता के साथ हुआ है, मैं चाहूँगी कि इसमें फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स हों और कड़ी से कड़ी सजा कल्प्रिट्स को दी जाए। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के कमरे में रहती थी, वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में कहानी झूठी निकली। सीसीटीवी फुटेज में अंकिता तीनों के साथ जाती नजर आई। अंकिता जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई।
पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा, तो इमीडिएट मामला उच्च अधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे DGP सर ने SSP सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे, हमारे CO सर सबको यहाँ भेजा गया। और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी SOG की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था, मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था, और जो जिस कमरे में बच्ची, जिस कमरे से मिसिंग बताई गई, वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। अंकिता 18 से 19 सितंबर से गायब थी, उसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारी से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश में कैंपेन चलता रहा। पुलिस ने शक के आधार पर पुलिस से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच करने की बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुलडोजर से अवैध रिजॉर्ट तोड़े जाने के बाद सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मंत्री का बेटा है तो क्या वो कुछ भी कर लेगा? उसे किसने हक दिया कि वो पहले तो रिजॉर्ट की आड़ में देह व्यापार करे और होटल स्टाफ की लड़कियों को भी इस दलदल में धकेले? सवाल ये भी कि जिस तरह से अंकिता की चैट सामने आई है उससे ये जरूर पता चलता है कि यहाँ काफी दिनों से देह व्यापार चल रहा था और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि मंत्री का बेटा था तो भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। या इतना ही काफी नहीं, इस खेल में और कई किरदार हो सकते हैं। अंकिता को इंसाफ चाहिए, अंकिता के पिता इंसाफ मांग रहे हैं, अंकिता के लिए पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। पार्टी को बताओ थोड़ी।